खेती में नित नई तकनीक के इस्तेमाल से किसान को अपनी उपज और फसल की क्वालिटी में बहुत बदलाव मिला है। परंपरागत खेती की जगह किसान अब नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और ड्रिप पद्धति से सिंचाई और मल्चिंग तकनीक से पानी की बचत भी हो रही है, वहीं फसल भी लहलहा रही है। साथ ही उन्नत बीज के उपयोग से उत्पादन भी बम्पर होता है। इन सबसे श्रम और लागत की बचत होती है और परिणाम बेहतर मिलते हैं। धार जिले में भी इसराइल की इस तकनीक का खूब उपयोग होने लगा है। धार न्यूज चैनल ने कोरोना काल में किसानों के हाल जानने पिंजराया के प्रगतिशील किसान नारायण पाटीदार के खेत पर पहुंचकर इस तकनीक को देखा है। कृषक नारायण पाटीदार ने अपने क्षेत्र में उन्नत खेती की मिसाल पेश की है। इस बार उन्होंने अपने खेत में बाहुबली तरबूज लगाए हैं। उक्त तरबूज की विशेषता बताते हुए नारायण पाटीदार के पुत्र गौतम पाटीदार ने बताया कि ये तरबूज एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। बेहतर स्वाद और ज्यादा वजन के कारण विदेशों में निर्यात किया जाता है, परंतु कोरोना वायरस की महामारी के चलते किसानों की आम फसलों के साथ ही इस तरह की उन्नत फसलें भी खेत में ही सड़ने लगी है और उपज का भाव न मिलने से खेती की लागत नहीं निकल पा रही है। पिंजराया के किसानों ने धार न्यूज चैनल को अपना दुखड़ा सुनाते हुए सरकार से मदद की मांग की है। सर, तरबूज की कंपनी सिमोन्स कंपनी का बाहुबली है। इसका उत्पादन बहुत काफ़ी है सर। अच्छा, क्या विशेषता है इसकी? और इसकी विशेषता है, फर्स्ट विशेषता इसका कलर गहरा और काला होता है। ये करीब 5,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। अच्छा, और इसको आप एक घर में स्टॉक भी कर सकते हो। कितने दिनों तक स्टॉक कर सकते हो? इसको आप 2 हफ्ते तक घर में स्टॉक कर सकते हो। और स्वाद में कैसा रहता है? स्वाद में सर बहुत अच्छा मीठा है। तो आपने आपके खेत में कितने बीघा में ये फसल लगाई है? ये करीब 1.5 बीघा ऊपर है। और कितना उत्पादन होता है इसका 1.5 बीघा में? एक बीघा में कितना होता है इसका उत्पादन? 100 क्विंटल बीघा का निकला है। और कितने दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है? ये 70 से 75 दिन में। अच्छा अच्छा, तो दूसरी वेरायटी भी लगाई है आपने? और कोई दूसरी है ना सर? कौन सी? किंग प्लस। अच्छा, और तरबूज के साथ हम आपके खेत में देख रहे हैं कि खरबूजे भी लगाए हुए हैं, तो ये भी एक नई वेरायटी की खरबूजे हैं ये देखने में आ रहे हैं। तो ये कौन से हैं आपके खरबूजे? ये खरबूजा भी सिमोन्स कंपनी का ही है, खुशबू नाम से। अच्छा, ये कंपनी वाले अपन को डेमो दे के गए थे तो डेमो हम लगाया एक। अच्छा, तो आपने अपने क्षेत्र में पहली बार लगाए हैं ये? ये अपने क्षेत्र में फर्स्ट प्लांट लगाए बाहुबली पहली बार। अच्छा, तो ये और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये विदेशों में निर्यात होता है वो उस किस्म का तरबूज है? लॉकडाउन के कारण सर अपना तरबूज भाव में रेट में कम बिक रहा है। अच्छा, लेकिन ये माल सऊदी अरब का है। सऊदी अरब इसको का स्टॉक है। सर इसके कवर की काफ़ी टाइट है इसका, सर कवर बहुत हेवी है। यदि इस पर आदमी 50 किलो से अगर 1 क्विंटल का भी आदमी इस पर चढ़ जाता है अच्छा, तो भी नहीं फूटता है सर। कहना चाहूँगा लेकिन ये लॉकडाउन के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। माल ऐसा कैसा खेत में रहा? खर्चा ही नहीं निकल रहा सर। अच्छा, इसमें सर 1 क्विंटल वेट भी दे दोगे आप, 6 किलो का वेट भी, तो टूटेगा नहीं इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे? हाँ, खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं टूटेंगे। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ये है। और इसका दाना करीबन 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो, छोटा तो है ही नहीं 2 किलो से नीचे। मतलब एक तरबूज का इतना वजन होता है? इतना वजन होता है, 6 किलो 7 किलो तक का जाता है दाना इसका। और ये तो लॉकडाउन के कारण इसमें जो खाद वगैरह लगता है वो हमको मिला नहीं है, फिर भी ये साइज हो गई इसकी। बताइए सुनील पाटीदार। अच्छा, क्या विशेषता है तरबूज की बताएं? इसकी विशेषता ये है कि अपन ये मेरा वजन है, वेट करीबन 76 किलो, ये इस पर खड़ा हो गया, हमें टूटा नहीं है अभी तक। इसके बाद इसको अपन कोल्ड स्टोर में मतलब पकने के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन तक अपन स्टॉक कर सकते हैं इसको घर पे इसका। उसके बाद इसको नी तो डाली आएगी, स्वाद में कोई चेंज होगा, पूरा वैसा कैसा रहेगा जैसे ताज़ा फल अपन झाड़ से तोड़ के लाए इसको, इसकी खासियत यही है। उसके बाद हमारे पास ये सागर किंग है प्लस में, इसको अपन वजन देंगे ये फट जाएगा। छोटा तरबूज है ये। अभी ये क्या है कि अब 2 किलो तक की साइज हुई है, इसमें थोड़ा सा ये अकेला पड़ी है ये होने लग गया, और उसका कुछ भी नहीं हुआ, ये निकल गई है और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। सुनील जी, आप ये बताइए कि लॉकडाउन के कारण आपकी इस फसल के भाव पे कोई प्रभाव पड़ा है या दूसरा और कुछ खराबी वगैरह ऐसा कुछ? इसमें सर क्या है कि मंडियाँ चालू नहीं रही लॉकडाउन के कारण, तो बहुत सा माल तो खेत में खराब हो गया ऐसा कैसा,
मतलब एक दो कुंटल भी नहीं बिका उनका और खराब हो गया है। किसानों का काफी नुकसान हुआ इससे। हमारे यहाँ खुद के यहाँ करीबन 60 बीघे के तरबूज है, उसमें से आप यूँ समझ लो कि 3-4 बीघे के तरबूज तो खराब ही है खेत में। अच्छा, और भाव में भी अंतर आया होगा, भाव भी आधा रह गया होगा। भाव भी आधा रहेगा, कहाँ 10-12 रुपए किलो बिकने वाला तरबूज आज 5 रुपए में खेत से दे रहे हम, मजदूरी अपनी है थोड़ी, और यूँ क्या है कि 10-12 रुपए किलो में हमारे यहाँ से घर से ही ले